दिल्ली हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का पक्ष कौन रखेगा, इस पर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा और केंद्र सरकार का पक्ष रख रही वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर आचार्य आपस में भिड़ गए हैं। जी हाँ, इस दौरान काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि अब सुनवाई 12 मार्च को होगी। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा का कहना था कि पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे वकील के रूप में नियुक्त किया गया है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्ति का अपमान कर रही हैं। राहुल मेहरा ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल को दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपराज्यपाल की तरफ से नियुक्ति नहीं की जा सकती है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा मामले की सुनवाई 12 मार्च को करेगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 12 मार्च तक का समय दिया है। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा था। हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय कर दी है। इन याचिकाओं में नेताओं की हेट स्पीच में FIR दर्ज कराने की मांग और दंगा पीड़ितों को सरकारी मदद मुहैया कराने की मांग संबंधित याचिकाएं शामिल हैं। SPN9 न्यूज से लता की रिपोर्ट।